17 जून से शुरू हुए बजट सत्र के बाद जनता को इंतजार है मोदी सरकार के दूसरी पारी के पहले पूर्ण बजट का। आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसके बाद कल यानी 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण ऐसे वक्त में बजट पेश करने जा रही हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में वित्त मंत्री के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वे को राज्यसभा में पेश किया, जिसमें 2019 से 20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन पिछले दिनों जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल सत्ता में वापसी के बाद केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिससे साफ हुआ था कि देश की विकास दर गिरी है और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। इन सब के बीच अब कल केंद्र सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। जाहिर है ऐसे में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, जैसे विकास दर। विकास दर 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2015 में 7.5% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 6.8% रही। टैक्स कटौती। वित्त मंत्री उपभोग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कमी की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत सभी टैक्स पेयर्स के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। इसके अलावा सभी कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स 25% करने की घोषणा हो सकती है। नए टैक्सों की घोषणा। राजस्व में इजाफे के लिए सरकार कुछ नए टैक्सों की घोषणा भी कर सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वृद्धि की जा सकती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स से राजस्व वृद्धि की जा सकती है। अधिक आमदनी पर सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। बचत में गिरावट रोकने के साथ वृद्धि के उपाय। बचत में लगातार गिरावट आ रही है, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार को गिरावट रोकने और बचत में वृद्धि के उपायों पर ध्यान देना होगा। परिवारों को अधिक बचत करने के लिए टैक्स प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है। वित्त वर्ष 2014 में GDP का 32.1% हिस्सा बचत खाते में था, तो वित्त वर्ष 2018 में ये 30.5% रहा। विनिवेश में इजाफा। विनिवेश में इजाफा करना बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2017 में 46,246 करोड़ रुपए के विनिवेश की घोषणा की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2018 में 1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश की घोषणा की गई थी। रोजगार में वृद्धि के लिए योजना। रोजगार में वृद्धि के लिए काफी वक्त से अटके श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत नियोक्ताओं को नौकरी देने और हटाने को लेकर नियमों में लचीलापन लाया जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। फंड जुटाने के लिए बॉन्ड लाया जा सकता है। डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच इन सभी चुनौतियों को पार कर कैसे वित्त मंत्री भारत के ग्रोथ इंजन को दोबारा रफ्तार दे पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। DB Life की रिपोर्ट।